दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एशिया कप टूर्नामेंट चल रहा है और इस एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को शानदार 5 विकेट से हरा दिया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम इस मैच की चर्चा नहीं करेंगे। हरामी हो बेटा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से 5 बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने एशिया कप में अभी तक सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो करना दोस्तों, क्रिकेट में छक्का लगाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे जहां एक और रिक्वायर्ड रन रेट कम होता है, वहीं पे बॉलर का इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉलर प्रेशर में आ जाता है। दोस्तों एशिया कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में 5 नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ फिनिशर रहे हैं। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से धोनी ने टीम इंडिया को कई निर्णायक मैच में जीत दिलाई है। एशिया कप में भी धोनी का बल्ला खूब चला है। माहिन इस टूर्नामेंट में 24 मैच खेलते हुए 16 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने 690 रन बटोरे हैं। उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जो बल्लेबाज हैं वह बल्लेबाज है दोस्तों सुरेश रैना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के बाएं हाथ के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में 4थे स्थान पर हैं। रैना ने शानदार 18 मैच खेलते हुए 18 छक्के जड़े हैं। उन्होंने साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था। रैना को भारत के सबसे होनहार क्रिकेटर में से गिना जाता है। उन्होंने टॉप ऑर्डर में एक जिम्मेदार बल्लेबाज की भूमिका निभाई थी। दोस्तों इस लिस्ट में 3रे नंबर पर जो बल्लेबाज आते हैं वो बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। दोस्तों वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। एशिया कप में भी रोहित ने बल्ले से जमकर प्रहार किया है। दाएं हाथ के ओपनर ने एशिया कप में अभी तक 28 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 22 छक्के जड़े हैं। इस दौरान हिटमैन ने 895 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। वे एशिया कप में इस मामले में 3रे नंबर पर हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 2रे नंबर पर जो बल्लेबाज आते हैं वो बल्लेबाज हैं सनत जयसूर्या। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज सनत जयसूर्या एशिया कप में ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में 2रे नंबर पर हैं। उन्होंने 25 मुकाबले खेलते हुए 23 छक्के जड़े हैं। इसके साथ ही जयसूर्या का नाम एशिया कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। बाएं हाथ के ओपनर ने अभी तक 1220 रन बटोरे हैं। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। अब वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 1 पे जो प्लेयर आता है वो प्लेयर है दोस्तों पाकिस्तान का हरफन मौला बल्लेबाज शाहिद अफरीदी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को दुनिया के सबसे विस्फोटक खिलाड़ियों में गिना जाता है। एशिया कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में अफरीदी टॉप पर काबिज हैं। उन्होंने 27 मुकाबलों में 26 छक्के लगाए हैं। दोस्तों ये सारे बल्लेबाज जो मैंने आपको बताए हैं टॉप 5 बल्लेबाज जिन्होंने एशिया कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, ये सब वनडे फॉर्मेट से हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, पहले एशिया कप 50-50 यानी वनडे फॉर्मेट में होता था। दोस्तों इस बार पहली बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जा रहा है। इसलिए दोस्तों जब एशिया कप फॉर्मेट खत्म होगा तो पता चलेगा कि इस बार सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो 5 टॉप के बल्लेबाज कौन रहे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।